स्वीट प्लीजेंट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 6.1, 6.2 और 6.3 को सॉल्व करके कंप्लीट वीडियो यहां पे डाल दिए चैनल पर। अगर आप लोग वे सारे वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि आगे के चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग बीसी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। आपका समय बचाने के लिए हमने यहाँ पे कंप्लीट लिख रखा है पहले से। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। और क्या दिया है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का मान दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ईएफ का मान दिया है 15.4 सेंटीमीटर। तो बीसी का मान हम लोगों को यहां से ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय 6.6 यहाँ पे क्या कहता है, तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर होता है। यहां से देखिए हम लोगों को बीसी निकालना है, तो यहां से बीसी रखेंगे। बीसी फर्स्ट वाला छोड़ के दुगो लास्ट वाला, इसी तरह इसमें भी फर्स्ट वाला दुगो छोड़ के लास्ट वाला, ईएफ बट्टा ईएफ का स्क्वायर यह होता है। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप दिए रहते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल प्रमेय के अनुसार क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर हो जाता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो यहाँ पे बीसी बटा ईएफ का स्क्वायर हो गया। तो चलिए यहां से इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, तो 64 है, चलिए 64 रख देते हैं। डीईएफ का क्षेत्रफल 121 है, ये भी रख देंगे हम लोग। यहां से बीसी का मान तो 15.4 है, ये रखेंगे। और यहां से सॉरी ईएफ का मान दिया है, बीसी का मान तो हम लोगों को पता नहीं है, निकालना है। चलिए और ईएफ का मान कितना है, 15.4 है, स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 64 बट्टा 121 बराबर बीसी बटा कितने हैं, 15.4 का होल स्क्वायर है। तो इधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, इधर से अगर आप स्क्वायर हटाइएगा तो उधर क्या चढ़ता है, तो उधर रूट चढ़ता है। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। चलिए अभी ये रूट निकल जाएंगे, 64 का रूट 8 और 121 का रूट 11 निकलते हैं। आई होप कि आप लोगों को रूट निकालने आता होगा, 8 क्लास में पढ़ना था ये चीज। तो देखिए अब आगे बीसी बटा क्या है, 15.4 है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीसी में 11 से, 11 बीसी और 8 से गुना करना है। देखिए इससे इसमें गुना इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी में 11 से 11 बीसी, 8 में कितना से 15.4 से। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए बीसी को रोक लेंगे, 11 है गुना में बराबर की इस पर चला जाएगा बट्टा में, तो आइए बट्टा में हम लोग 11 को लिखेंगे, तो 11 बट्टा में लिख देंगे। ये यहां से कट जाएंगे, देखिए कैसे 11 एकम 11 चार बच गया, 44 बन गया, 11 चौको 44, 0.1 अंक बाधा लगा दीजिए। तो ये आपका आ गया बीसी बराबर 14 8 112, चलिए 0.1 अंक बाद, तो यहां से बीसी का मान आपका आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समानांतर डीसी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एबी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते। सबसे पहले देखिए आप लोगों को दिया क्या है, तो कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज बना लेंगे हम लोग यहाँ से। तो
तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया। चलिए तो समलंब चतुर्भुज बन गया ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको सी, ये वाला डी हो गया। और इसके जो विकर्ण है परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बीडी यहां से विकर्ण हो गया और एसी विकर्ण हो गया। दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो बिंदु पर। तो चलिए यहाँ पे वो लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया। अब इसमें जो चीज दिया है उसको हम लोग लिखेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, देखिए इसमें दिया क्या है आपको, तो इसमें दिया है कि ए बी समानांतर डीसी है, ए बी समानांतर डीसी है, तथा तथा यहां पे आपको क्या दे रखा है, तो ए बी बराबर टू सी डी, ए बी बराबर टू सी डी। तो देखिए यहां पर एक स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर सी डी गुना में है तो बराबर की इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो यहां से बट्टा में सी डी लिख देंगे। और इधर क्या बच गया, टू, इसके बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहां से हम लोगों को जो साबित करना है वह लिखेंगे। तो क्या साबित करना है हम लोगों को, एओ बी और सीओ डी के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए एओ बी और सीओ डी के क्षेत्रफल के अनुपात, एओ बी, तो इसमें देखिएगा तो इसमें क्या है, ये वाला जो कोण ओ है और सी ओ डी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ए ओ बी ऊपर वाला और सी ओ डी देखिए नीचे वाला, दोनों में क्या है कि ये वाला कोण कोण ओ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह अभी शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए यहां से हम लोग क्या कर देंगे, तो एक कोण तो हम लोगों को मिल गया। अब इसमें देखिएगा कोण सी जो है कोण ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है, ये समांतर ए बी के समानांतर सी डी है, तो यहाँ पे कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, किस कोण से, एकांतर कोण से। तो लिख देंगे यहाँ पे और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज एओ बी और त्रिभुज सीओ डी में, सीओ डी में कोण, देखिए यहाँ पे ए ओ बी बराबर है डी ओ सी के, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। चलिए किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख अभिमुख कोण से, या सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहां से ये वाला जो कोण है कोण ए कोण सी के बराबर है, एकांतर कोण, कोण ए बराबर कोण सी बराबर एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो दो कोण बराबर हो गए, तो यहां पे लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज कौन सा है, तो ए ओ बी है, ए ओ बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ओ सी के, सीओ डी लिख सकते हैं, सीओ डी के। चलिए तो यहां से अब हम लोग डी ओ सी लिख देते हैं। तो यहां से देखिए आप जो चीज निकालना है वह लिखेंगे। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी रखना है, ए बी इधर से ए बी रख देते हैं और यहां से सी डी। चलिए ये इनके स्क्वायर के योग के बराबर होंगे, स्क्वायर के बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी बराबर हो जाएंगे ए बी बटा सी डी का होल स्क्वायर, यह क्षेत्रफल परमेय से होता है। तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी बराबर
एबी का मान देखिए कितना है, दो है, और सीडी का मान एक है, तो रख देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा कितने आ जाएंगे, दो दूना चार हो जाएंगे और एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, तो यहाँ पे आ गया 4:1 आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है आकृति 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडीबीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ है। तो चलिए सबसे पहले आकृति हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज दिया है, तो यहाँ पे हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। यहां से समलंब चतुर्भुज ए बी सी, और ये हमारा डी है, और इसके जो विकर्ण है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए यहां से विकर्ण बना दिए, एडी और बीसी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे वो हम लोग लिख लेंगे। अब चलिए इसमें जो चीज दिया है उसको हम लोग लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया है समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी में एडीबीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है चलिए जो चीज सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सिद्ध करना है हम लोगों को एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बट्टा डीओ। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से ए से बीसी पर लंब डालेंगे। चलिए यहां से ए से बीसी पर ऐसे लंब डाल देते हैं, और इसी तरह डी से बीसी पर लंब डालेंगे, डी बिंदु से। तो चलिए यहां से डी पर हम लोग लंब डाल दिए, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ। तो यहां पे जो रचना किए है उसको लिखेंगे हम लोग रचना, ए से बी सी पर ए ई लंब डाला, ऐसे लिखते हैं ए ई लंब बी सी तथा DF लंब BC, DF लंब देखिए पूरा BC है और इस पर लंब क्या है, तो DF है, DF, तो DF लंब BC DF लंब BC डाला। चलिए रचना हो गया। अब हम लोगों को सबसे पहले ये वाला त्रिभुज में चलना होगा, AOE में, ये वाला त्रिभुज AOE, देखिए इस तरह से त्रिभुज बना है, और यहाँ पे DOF में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों में देखिएगा ध्यान से, तो क्या है E कोण 90 डिग्री है क्योंकि लंब है, F 90 डिग्री है, और ये वाला कोण O, कोण O के बराबर होगा किस कोण से, सम्मुख कोण से। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे
त्रिभुज एओई में एओई तथा त्रिभुज डीओएफ में। कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90 डिग्री, कोण एओई, देखिए यहाँ पे कोण एओई ये वाला कोण जो बीच में आता है वही कोण होता है, कोण एफ ऐसे डी ओ एफ लिख सकते हैं। तो चलिए कोण ए ओ ई बराबर है कोण डी ओ एफ किस कोण से, तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। तो चलिए दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप होंगे, तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ओ ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ओ एफ के। चलिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए देखिए हम लोगों को एओ बट्टा डीओ, एओ बट्टा डीओ बराबर यहां से क्या हो जाएंगे ओई बट्टा ओ एफ, ओई बट्टा ओ एफ बराबर अब लास्ट वाला देखिए ए बट्टा डी एफ, ए बट्टा डी एफ। तो ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे। देखिए हम लोगों को यहाँ पे साबित क्या करना है, त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बट्टा डीओ। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर यहां से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक बटा दो गुना आधार, तो आधार इसका देखिए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी का आधार देखिए त्रिभुज ए बी सी ये वाला, तो इसका आधार क्या है बी सी, तो यहां से बी सी रख देंगे और गुना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई इसका क्या है, तो देखिए लंबवत ऊंचाई ए ही है, तो ए ही रख देंगे यहां से बट्टा 1/2 गुने आधार। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुने आधार, तो डीबीसी डी बी सी ये वाला त्रिभुज देखिए इसका आधार क्या है, तो बी सी है गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए इसका क्या है डीएफ है। चलिए 1/2 से 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया, क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया ए बट्टा डीएफ, और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर यहाँ ए बटा डी एफ, तो देखिए यहाँ पे ए बटा डी एफ बराबर क्या है एओ बटा डीओ है, तो ए बटा डी एफ की जगह पर क्या रख देंगे एओ बटा डीओ, किस से समीकरण एक से लिख देंगे समीकरण एक से। तो चलिए यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसमें तो चित्र उत्र दिया नहीं है लेकिन अपना से बना करके मान लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी हो गया और ये त्रिभुज डी एफ मान लेते हैं, डी ई एफ है, चलिए ये हो गया, तो इसमें कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है और इनके क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो लिखेंगे जो चीज दिया है उसको लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा
देखिए इसमें और क्या दिया है, तो इसमें कह रहा है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। चलिए ये इतना दे दिया है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। देखिए इसमें हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज डीईएफ के, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज डीईएफ। तो आइए हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे यह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, यह चीज दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर देखिए एक छुपा रहता है तो एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ गुना में है बराबर की इस पर आ जाएगा बट्टा में, ऊपर क्या है तो त्रिभुज एबीसी है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, और बट्टा में आ गया ये एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। चलिए बराबर क्या बच गया एक, तो देखिए क्षेत्रफल पर में क्या कहता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, यानी कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इधर से क्या ले लेते हैं, तो यहां से हम लोग ले लेते हैं बीसी, यहां से क्या ले लेंगे बीसी, और यहां से ले लेंगे ईएफ। चलिए तो यहाँ पे इनके क्षेत्रफलों के अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, तो भुजा के अनुपात कर दिए वर्ग कर दिए, बराबर कितना एक, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं बीसी बटा ईएफ, इस साइड से अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो उधर क्या चढ़ता है, उधर क्या चढ़ता है तो रूट चढ़ता है, तो यहाँ पे एक पर रूट चढ़ जाएगा, तो एक का रूट कितना होगा आप लोग बताइए, एक का रूट एक ही होगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर एक का रूट कितने आ गया, तो एक आ गया। चलिए अब यहाँ पे बट्टा में एक छुपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी में एक से, बी सी एकम बी सी और ई एफ में एक से, तो ई एफ एकम ई एफ ये आ गया, तो BC बराबर EF आ गया। चलिए ये वाला जो भुजा है BC EF के बराबर हो गया, हम लोग इसको ये चीज दिखा दिए, तो इसको सर्वांशम दिखाना है, तो हम लोगों को किसी भी तरह देखिए एक होता है एंगल साइड एंगल सर्वांशमता से, ये त्रिभुज समरूप सर्वांशम हो जाएंगे, तो एंगल साइड एंगल अगर देखिए एक तो भुजा हम लोग दिखाई दिए, अब क्या बारी है किसी भी तरह दो कोण अगर बराबर दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो देखिए जब भी त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, तो चलिए कोण बी जो है जाएगा यहाँ पे कोण ई के बराबर होगा, कोण ए जो हो जाएगा कोण डी के बराबर होगा और कोण सी कोण एफ के, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर क्या कोण ई। चलिए तो दो कोण हम लोगों को यहां से बराबर दिखाना है तो दो ही रहने देते हैं, अब लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एबीसी, अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ गए सब, यहाँ पर आ गए कोण ए बराबर कोण डी और बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ यह तो हम लोग निकाल चुके हैं,
और कोण बी बराबर, देखिए कोण बी बराबर कोण ई है, तो चलिए यहां पे लिख देते कोण बी बराबर कोण ई। तो यहां पे एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से, इसीलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज डीईएफ के। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, त्रिभुज डीईएफ प्रूव। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आप लोग पढ़िए, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डीईएफ है। त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज दिया है आपको एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, तो चलिए एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बी, ये ए हो गया, ये सी हो गया, और इसका जो मध्य बिंदु है डीईएफ है, डी ई और यहां से एफ। तो चलिए इस तीनों मध्य बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, इसको इससे मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे। ये वाला जो मध्य बिंदु है इसका नाम एफ है, तो चलिए यहाँ पे रख दिए। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको बोला ये जा रहा है कि त्रिभुज डीईएफ, ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है डीईएफ, इसका क्षेत्रफल के अनुपात और इसके बाद में एबीसी के क्षेत्रफल के अनुपात निकालने हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखिए, एबी एसी का मध्य बिंदु ई है, बीसी का मध्य बिंदु डी है और एबी का मध्य बिंदु एफ है। तो लिखेंगे जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया है डीईएफ मध्य बिंदु है, इसीलिए यहां पे देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए, यह जो D के अनुपात है और AB के अनुपात, D बटा AB एक अनुपात दो होगा, एक अनुपात दो, यानी कि D अगर एक होगा तो AB क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहां से देखिए, ये वाला DF के सामने कौन है, AC है, तो DF बटा AC बराबर हो जाएंगे एक बटा दो। इसी तरह लास्ट वाला देखिए, ईएफ जो है इसके सामने कौन है, बीसी है, तो ईएफ बटा बीसी बराबर हो जाएंगे एक बटा दो। तो देखिए यहाँ पे संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डीईएफ के, क्योंकि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। अब देखिए, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख करके समझते हैं। तो सबसे पहले, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज चलिए यहां से हम लोग रखेंगे डीईएफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, देखिए यहां पे हम लोग डी बटा एबी ले लेते हैं भुजाओं के अनुपात, डी बटा एबी तो इसका वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात, तो भुजाओं के वर्ग हो गया और अनुपात हो गया के बराबर होते हैं। मान रखिए यहां से आपको आंसर मिलेगा, तो यहां से देखिए डी बटा एबी का मान कितना है, एक बटा दो है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी
बराबर हो जाएंगे। डी का मान 1/2 है, डी बटा ए बी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से 1:4 जो है आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फोटो बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे डी एफ बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे डी ई एफ। तो ये जो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ से माध्यिका डाल देंगे। तो माध्यिका जो होता है 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये जो बीसी है इसको कितने बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा सी डी। इसी तरह इस पर हम लोग माध्यिका डाल देंगे। चलिए यहाँ पे डी तो है लई है, तो यहाँ पे हम लोग इसका पी नाम रख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे माध्यिका डाल देंगे, इसको हम लोग क्यू नाम रख देते हैं। चलिए तो माध्यिका के मतलब यही होता है, ई एफ जो है पूरा का आधा कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, ई क्यू बराबर क्यू एफ। तो चलिए ये हमारा चित्र रेडी हो गया। आप जो चीज दिया है उसको लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो चीज सिद्ध करना है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ बराबर यहाँ पे इनका जो माध्यिका है क्या है, एपी है, एपी बटा ये वाला माध्यिका डी क्यू के वर्ग होंगे। यही तो साबित करना है हम लोगों को। तो आइए यहां से हम लोग इसको साबित करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के, इसीलिए देखिए जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है, तो इनके कोण बराबर होते हैं, संगत कोण, तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएंगे, और इनके जो कोण वाला भुजाएं होते हैं भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं, यानी कि बी ए बी हो गया। देखिए कोण से सटा हुआ कौन है, ए बी है और नीचे बी सी है, इसी तरह यहाँ पे डी है और ई एफ है, तो ए बी बाटा क्या हो जाएंगे डी। चलिए यहां पर ए बी बाटा क्या हो जाएंगे डी ई बराबर यहां से बी सी बाटा ई एफ हो जाएंगे, बी सी बाटा ई एफ। और यहां पे चलिए सबसे पहले हम लोग कोण लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कोण लिखेंगे, इसीलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएंगे कोण ई के, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। देखिए कैसे दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे कोण बी कोण ई के बराबर है, लिख दिए यहां से, और भुजाओं के अनुपात ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ दोनों बराबर हो गए। तो चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे हम लोग, क्या कर देंगे यहाँ पे, तो ए बी बट्टा डी ई बराबर यहाँ देखिए बी सी, तो बी सी, बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बी सी। अब ये क्यों लिख रहा है आपको थोड़ा देर में हम बताएंगे। देखिए ई एफ को 1/2 ई एफ लिख दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, बीसी का बीसी बच गया, ई एफ का ई एफ बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए यहाँ पे एक स्टेप और चलिएगा, तो यहाँ पे पता चलेगा ए बी
बटा डीई बराबर, अच्छा देखिए, एक बटा दो बीसी, बीसी का आधा, बीसी का आधा क्या हो जाएंगे, बीपी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एपी माध्यिका है और माध्यिका आप लोगों को पता है लही है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो यानी कि बीसी के आधा क्या हो गया, बीपी। तो यहाँ एक बट्टा दो बीसी की जगह पर क्या लिख देंगे, बीपी, बीपी लिखेंगे। चलिए, और यहां से ई ई एफ, देखिए एक बट्टा दो ई एफ, तो एक बट्टा दो ई एफ की जगह पर ई एफ के आधा क्या हो जाएंगे, ई क्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ई क्यू लिख देंगे, ई क्यू। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे इसको देखिए, इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे और इसको हम लोग समीकरण दो मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो इसमें देखिए, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएंगे, तो समीकरण एक में कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई, इस वाला त्रिभुज में देखिए, ए बी पी में और डी डी ई क्यू में कोण बी बराबर कोण ई है, और उसके बाद में ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, और उसके बाद में बीपी बटा ई क्यू, बीपी बटा ई क्यू। तो यहाँ पे एक कोण बराबर है और दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी पी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई क्यू के। इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू, यह हो गया। तो चलिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो यहां से हम लोगों को क्या लाना था, तो देखिए, सबसे पहले जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो इधर से लिख लेंगे ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएंगे बीपी बटा, बीपी बटा ई क्यू। देखिए यहां पे ए बी बटा डी ई बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे यहां से, तो एपी, एपी रखते हैं, माध्यिका एपी है तो यहां से एपी रख लेते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। देखिए यहां पे एपी और इसी तरह यहां भी डी क्यू, इसमें माध्यिका क्या है, डी क्यू, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला इसमें भी। तो इसको हम लोग, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या होता है, तो देखिए यहां पे इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ए बी बटा डीई का वर्ग हो जाएगा, यही ना होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर ए बी बटा डी का वर्ग। क्यों होता है यह, तो यह क्षेत्रफल परमे से होता है, परमे 6.6 के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए, मान रखिए इसका, और एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो जाएंगे, देखिए ए बी बटा डी किसके बराबर है, ए पी बटा डी क्यू के। तो ए बी बटा डी के जगह पर क्या रख सकते हैं, ए पी बटा डी क्यू रख सकते हैं, ओके, और स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। देखिए यही तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी क्यू डी एफ बराबर ए पी बटा डी क्यू का स्क्वायर, तो आ गए यहाँ पे, यही तो प्रूव करना था। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग सातवां नंबर क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसका सबसे पहले फोटो बनाएंगे, फिर इसको साबित करेंगे। तो देखिए, एक वर्ग बना लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ग हो गया, चलिए ये हमारा एक वर्ग हो गया, मान लेते हैं ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी एक वर्ग हो गया।
अब देखिए एबीसीडी वर्ग हो गया, तो वर्ग के भुजा, देखिए वर्ग पर एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहां से हम लोग समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं। चलिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई, चलिए यहाँ पे ई नाम दे देते हैं, और इसका जो विकर्ण है यहाँ पे विकर्ण बना देते हैं एसी। तो क्वेश्चन समझिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे कहा जा रहा है वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह उसके विकर्ण पर बनाए गए एक अन्य समबाहु त्रिभुज, तो चलिए विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह एसी विकर्ण है, इस पर हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो यहां से ये हो जाएंगे और यहां से ये होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो देखिए हम लोग वर्ग की भुजा को ए मानते हैं, तो सी डी ए हो गया, इसी तरह ए बी यहाँ पे ए हो जाएंगे, और फिर ए भी ए हो जाएंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, बी भी क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, और देखिए और विकर्ण जो है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट टू गुने भुजा होता है, तो यहाँ पे रूट टू ए हो जाएंगे, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएंगे रूट टू ए, तो ये भी रूट टू ए हो जाएंगे रूट टू ए, ओके, और ये भी क्या हो जाएंगे रूट टू ए। तो चलिए यहां से इस भुजा के नाम दे देते हैं हम लोग एफ। तो देखिए क्वेश्चन अब जो कह रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह क्या रहा है, सात नंबर यहाँ पे लिखेंगे, माना कि वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, इसीलिए विकर्ण विकर्ण बराबर हो जाएंगे रूट टू गुने भुजा, तो रूट टू ए हो जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे रूट टू ए लिख दिए हम लोग। अब देखिए आगे हम लोगों को जो चीज साबित करना है वह लिखेंगे, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए यह जो ए बी ई त्रिभुज है ऊपर वाला, देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यही हम लोगों को साबित करना है। एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ओके, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको साबित करेंगे। अब लिखेंगे हमें सिद्ध करना है ए बी ई त्रिभुज, ए बी ई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, ये वाला देखिए जो विकर्ण पर बना है ऐसे, ए सी एफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बटा दो, यही साबित करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब यहां से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा क्या है, तो रूट तीन बटा चार गुने भुजा, रूट तीन बटा चार गुना भुजा, तो भुजा के मान कितना है ए है, रूट तीन बटा चार गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो चलिए यहाँ पे रूट तीन बटा चार गुने भुजा स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालेंगे, तो ये वाला ए सी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर हो जाएंगे यहाँ पे रूट तीन बटा चार गुना भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा क्या है, देखिए रूट टू ए है, तो यहाँ पे रूट टू ए रखेंगे, रूट टू ए का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, रूट तीन बटा चार गुने रूट रूट दो में रूट दो से गुना करेंगे, सीधा दो हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक
और चलिए लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, भाग देने पर। तो चलिए यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर, यहां देखिए इधर वाला इधर रखेंगे, इधर वाला इधर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है रूट तीन बटा चार गुना ए स्क्वायर और बट्टा रूट तीन बटा चार गुना टू ए स्क्वायर। तो देखिए रूट तीन बटा चार से रूट तीन बटा चार कट जाएंगे और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया एक मरतबे, तो क्या आ गया एक बटा दो आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई को रोक लेंगे, ए बी ई को रोक लेंगे यहाँ पे, और देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बट्टा में है तो बराबर के उस पर गुना में चला जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ में एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, और देखिए इसके बट्टा में क्या है तो दो है, यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी, दो संभावित त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुजों त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे, यह आठ नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले एक त्रिभुज है हमारा, तो यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज हो गया और इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पे डी दिया है, तो यहाँ पर एक बिंदु हम लोग डाल देते हैं चलिए, और इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का मतलब है ये दो बराबर भागों में बांट देगा, बीसी को डी बिंदु कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट देगा, बीडी बराबर सीडी। तो चलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ए बी सी डी ई, ई नाम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोनों त्रिभुज जो है ए बी सी और डी बी डी ई दोनों क्या है समबाहु है, समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं सभी कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी कौन सा है बी डी, बी डी ई बी डी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए अतः चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसलिए ये समकोणीय है, मतलब इसके जो कोण होंगे सभी कोण आपस में बराबर होंगे, समकोणीय है, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज एंगल एंगल समरूपता से, इसलिए एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी बी डी ई के। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, समकोणीय होते हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्यों होते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ओके तो चलिए यहाँ पे इसलिए हो जाएंगे एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बीडीई के। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या लाना है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल के अनुपात लाना है। तो देखिए लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहां से क्या ले लेंगे हम लोग, तो ए बी ले लेंगे, चलिए ए बी नहीं, यहां से हम लोग बीसी लेते हैं, बीसी और यहां से देखिए यहाँ पे बीडी,
ये छोटे वाला बड़े वाला त्रिभुज में बीसी और छोटे वाला त्रिभुज में बीडी ले लेते हैं, बीडी का वर्ग। ओके, क्योंकि क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए यहां से मान रखते हैं आगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बीडीई बराबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए बीसी, तो बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। इसका मतलब है यह मध्य बिंदु क्या करता है, बीसी को दो बराबर भागों में बांट देता है। आप लोग जानते हैं बीडी बराबर क्या हो जाएंगे, सीडी। तो यहाँ पे बीसी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बीडी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो बीसी के जगह पर रखेंगे टू बीडी, और बट्टा में क्या है, बीडी है। फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई, चाहे बीडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, दो का स्क्वायर चार हो जाएंगे, बीडी में बीडी से गुना करेंगे बीडी स्क्वायर, और बीडी में बीडी से बीडी स्क्वायर। चलिए बीडी स्क्वायर से बीडी स्क्वायर कट जाएंगे एक मरतबे। ओके, तो यहाँ पे आ गए 4/1, तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी डीबी एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर, देखिए कितने आए हैं, 4/1, तो 4:1 हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कितना है, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट प्रश्न को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आपको दिया क्या है यहाँ पे, तो भुजाओं के अनुपात दिए है। मान लीजिए ए बी वट्टा दिया है, जो चीज दिया है उसको लिखेंगे ए बी वट्टा, ए बी वाटा यहाँ पे पी क्यू बराबर दिए हैं कितना, ए बी वाटा पी क्यू का मान दिया है आपको यहाँ पे 4:9 है, 4/9 दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, हम लोग एक एबीसी त्रिभुज लेते हैं जिसका भुजा क्या है, ए बी है, और त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं जिसका भुजा क्या है, पी क्यू है, और दोनों का अनुपात दिया है 4:9 है। तो चलिए हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है क्या, इसका भुजा ए बी और इसका भुजा पी क्यू का वर्ग होता है। ठीक है, अनुपात का वर्ग होता है, आप लोग क्षेत्रफल प्रमेय से पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका मान रखिएगा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे AB का AB वट्टा PQ का मान कितना दिया है, 4/9 दिया है। यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 × 16 और 9×9 81, तो अनुपात कितने आ गए यहाँ पे, 16:81 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है ये चीज। तो यह जो प्रश्नावली है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली में अब मिलेंगे।